हेलो एवरीवन, आज है 12 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। 123 रुपए का ये शेयर है, आज तकरीबन 8% की गिरावट देखने को मिली है। आज सरकारी कंपनियों में भारी भरकम गिरावट थी, तो ये भी उससे बाहर नहीं रहा, यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। और आज इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी आ चुके हैं और डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस करा है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 123 रुपए का शेयर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। एक महीने में अगर हम देखें तो तकरीबन 7.5% की तेजी जरूर है। 108 रुपए से शानदार तेजी आई, 145 पे गया, लेकिन उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिर रहा है। ये 145 से 123 रुपए के आसपास आ चुका है। शायद थोड़ा सा और डाउनसाइड ये दिखा सकता है, क्योंकि जो इसके नतीजे निकल कर आए हैं वो उतने ज़्यादा भी एंकरेजिंग नहीं है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर एक सही लेवल पर ही अगर आप बाय करा जाए इस कंपनी के शेयर को तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता लेवल होना चाहिए। यहाँ पर एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 48% की तेज़ी है। 83 रुपीज़ का शेयर था, बेहतरीन तेज़ी देखने को मिली और बाज़ार भी बहुत अच्छे मूड में था। सरकारी कंपनियों की बहुत ही चांदी हो रखी थी इन दौरानों में, तो अच्छी रफ्तार देखने को मिली और अच्छा खासा पैसा भी इसने बना कर दिया। ऑलमोस्ट डबल कर दिया था इसने पैसा, लेकिन अब गिरावट भी आई है और जाहिर से बात है नतीजे के बाद जो कि उतने अच्छे नहीं आए हैं, तो और फर्दर डिक्लाइन एक्सपेक्टेड रहेगा। यहाँ पर इसके जो रिजल्ट्स निकल कर आए हैं उसमें सबसे पहले अगर आप देखो तो डिविडेंड की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो 1 रुपये पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस करा है। पिछले साल भी इन्होंने 1 रुपये पर शेयर का ही डिविडेंड अनाउंस करा था, हालांकि साल में 2 बार पे करते हैं ये। और जहाँ तक इनके नतीजे के बारे में अगर बात करी जाए तो इनकम भी कम हुई है और प्रॉफिट भी कम हुआ है। 23,524 करोड़ रुपए के आसपास की इनकी इनकम हुई है दिसंबर क्वार्टर में, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ की इनकम थी। तो बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि गिरावट आया है परसेंटेज वाइज पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा की इनकम थी, तो पिछले साल के मुकाबले भी इनकम इस बार इनकी कम हुई है। हालांकि प्रॉफिट में भी नज़र करें तो भाई साहब वो भी बहुत कम हुआ है। इस बार का प्रॉफिट सिर्फ 331 करोड़ का ही इनको मुनाफा हुआ है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1,240 करोड़ का था। तो बहुत बड़ा फॉल कह सकते हो यहाँ पर कि प्रॉफिट वाइज देखने को मिला है। इवन पिछले साल इसी क्वार्टर में 465 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले भी 331 करोड़ कम है। तो देखा जाए तो पिछले साल से कंपेयर करो या फिर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, जो नतीजे इसके आए हैं वो उतने भी अच्छे नहीं है। और यही वजह भी है कि फर्दर डिक्लाइन थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड यहाँ पर रहेगा, लेकिन हाँ एक लेवल आएगा जहाँ पर बाइंग के भी मौके बनेंगे। वॉल्यूम अगर देखा जाए तो अच्छे हैं, तकरीबन 5.5 करोड़ की क्वांटिटी के शेयर आज ट्रेड होते नजर आए। और देखिए, आज सरकारी कंपनियों के दिन हालांकि पिछले एक महीने से चल ही रहे हैं, पहले तेजी वाले दिन थे, अब गिरावट के दिन देखने को मिल रहे हैं। और देखा जाए तो अब रिजल्ट्स के बाद देखा जाए तो थोड़ा सा और डिक्लाइन भी एक्सपेक्टेड रहेगा यहाँ पर। और जहाँ तक सेल को लेकर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 78% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 11% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ, 11% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। जहाँ तक बात करें डिविडेंड को लेकर तो इनका जो डिविडेंड ना वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर आप देखोगे तो 2022 में पहले इन्होंने 2.5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड पे किया था, फिर 2.25 रुपये का पे किया था, और 2023 में डिविडेंड कम हो गया इनका। पहले 1 रुपये का पे किया, फिर बाद में 50 पैसे का पे किया, तो काफ़ी कम डिविडेंड पे आउट हुआ यहाँ पर। और 2024 में अभी इन्होंने पहले 1 रुपये पर शेयर का अनाउंस करा है, उन सबको डिविडेंड मिलेगा 1 रुपये पर शेयर जिस किसी के पास 20 फरवरी से पहले शेयर्स होंगे। उसके बाद होंगे तो डिविडेंड के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे, उससे पहले होंगे तो वो मिलेंगे। बोनस की जहाँ तक बात की तो कोई हिस्ट्री नहीं है, स्प्लिट भी अगर आप देखो तो नहीं है। लेकिन आप देखिए नंबर वाइज अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली ग्रोथ आया था 2022 और 23 में, और प्रॉफिट वाइज भी देखोगे तो शानदार ग्रोथ था 2022 में। और यही वजह भी थी कि 2022 में डिविडेंड इसने ज़्यादा पे करा था, 2023 में उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, भले ही रेवेन्यू अच्छे हो लेकिन प्रॉफिट नहीं हो क्योंकि मार्जिन पे दबाव बना था। और यही वजह थी कि डिविडेंड धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी इनके देखोगे तो जो प्रॉफिट वाला रेशियो इनके रेवेन्यू है वो अभी तो और कम हुए। देखो पिछले 5 क्वार्टर का अगर आप देखोगे तो कभी भी ये 25 के नीचे नहीं गए, मतलब बीच में एक बार 24 भी था, लेकिन इस बार तो 23,000 हो गया, मतलब रेवेन्यू और ज़्यादा कम हो गया। अगर आप प्रॉफिट वाइज देखोगे तो भाई साहब अच्छे प्रॉफिट थे, 1200 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट थे यहाँ पर। हालांकि एक बार जून में
150 करोड़ का भी जो प्रॉफिट था, जो कि अगेन कम था, लेकिन बाद में फिर से अच्छा खासा जंप दिखा दिया और शेयर प्राइस भी उसके चलते बढ़ता नजर आया। तो यहाँ पर 331 करोड़ का हुआ है, जो कि कम ज़रूर है, लेकिन देखते हैं कि चीज़ें बेहतर हो भी पाती है कि नहीं। और वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए यहाँ पर तो 17 का इसका पी रेशो है, सेक्टर पी 25 का है, सस्ता कह सकते हो आप इसको। और 27% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक इनके होल्डिंग को लेकर बात करें तो 65% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है ये। 5.18% म्यूचुअल फंड के पास है, 10.29% यहाँ पर डोमेस्टिक के पास है, 4.34% FIIs लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर्स के मिलाकर 15.20% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 9.89% का स्टेक लेकर बैठे हैं, अदर पार्टीज 5.32% की होल्डिंग पर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस कंपनी को लेकर, तो कंपनी खराब नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन डेफिनेटली इसका मैटर करेगा, क्योंकि जब भी इसने बहुत बड़ी तेजी दिखाई है। आप देखिए इससे पहले भी इसने बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी थी, 140 पर गया था ये, बाद में बड़े बहुत बड़े लंबे करेक्शन से गुजरा, ये लंबे करेक्शन से गुजरा, इस बार बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी तेजी इसने दिखा दी है। और जाहिर सी बात है सरकारी कंपनियों में आंधी मची हुई थी, तो ये भाग जरूर गया वहां पर। और देखा जाए तो आने वाले टाइम में मैं मान के चलूँ कि सरकारी कंपनी अच्छा करेगी, डेफिनेटली अच्छा करने वाली है, लेकिन अब जब नतीजे खराब आए हैं तो भाई साहब आपको थोड़े बहुत खरीदने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और यहाँ से और 10-12% का डिक्लाइन आता है, तब जाके मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके बनेंगे। और जो स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पर है, वो मुझे लगता है कि 85 से 90 रुपये का जो लेवल है, वो एक स्ट्रांग सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करना चाहिए। और उससे पहले जो 95 से 100 रुपीज़ का जो 95 से जो 100 रुपये का लेवल जो होगा, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो बाइंग इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आपको आता हुआ नजर आ सकता है। कंपनी खराब नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑलरेडी बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी तेज़ी इसने दिखा दी थी, तो शुरुआती दौर में एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। और अब जब नंबर अच्छे नहीं आए हैं, तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ी बहुत और फर्दर डिक्लाइन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और वो देखने को मिल भी रहा है। और देखो मेरे हिसाब से ये एक हेल्दी करेक्शन होगा, कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी है दिखा चुका था, तो अगर यहाँ से अगर 10-12% करेक्ट हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो शुरुआत हुई, अभी 145 से गिरना स्टार्ट हुआ है। अभी अगर आप देखो तो मुश्किल से 12% का, 12 से 15% का डिक्लाइन है, लेकिन अगर ये 20-22% का डिक्लाइन हो जाता है, जो कि मेरे हिसाब से 110 रुपये के आसपास अगर जब जाएगा तो हो जाएगा उस लेवल के आसपास, तब जाके मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बाइंग अट्रैक्शन आपको देखने को मिल सकता है। अगेन मैं ये कहूँगा कि ये वो कंपनी है जो बहुत लंबा टाइम लेती है, ठीक है, तो टाइम लगेगा इसको रिकवर करने में, और यही वजह है कि उतना ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों में जागता नहीं है इस कंपनी को लेकर। और मैं उससे अग्री भी करता हूँ कि ये जब गिरता है तो बहुत लंबा टाइम लेता है रिकवर करने के लिए। तो पहली चीज़ तो ये कि इसको थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए, तब कोई फैसला लीजिएगा यहाँ पर, ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा कहना है, बाकी मर्जी आपकी है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन कतई नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।